आप लोगों से बात करेंगे क्यों कोई इंडियन कंपनी, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन उतनी बड़ी नहीं हो पाती जितनी बड़ी हम कोई फॉरेन कंपनी को देखते हैं। ये जो मेरा एक मेथड है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, ये हर किसी एक इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई होगा और एक यंग एंटरप्रेन्योर पर भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं गूगल कंपनी की। गूगल कंपनी जैसे आपको पता ही है वर्ल्ड में नंबर वन की कंपनी है गूगल। आपको कुछ भी सर्च करना हो 95% वर्ल्ड में लोग गूगल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, गूगल की सर्विसेज यूज करते हैं। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी भी कोई सर्विसेज यूज करने के लिए गूगल को पैसे दिए? यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, आपने जीमेल यूज किया, परसों से जीमेल यूज कर रहे हैं आप, गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, गूगल मैप देख रहे हैं आप, इन सब सर्विसेज के लिए कभी भी आपने कोई पैसा दिया? मैं एक नॉर्मल लोग पर्सन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ और वेरी मच प्रोफेशनल पर्सन। जवाब सब लोगों का है नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया गूगल किसी भी प्रोडक्ट कोई यूज करने का। तो दोस्तों सोचिए एक नॉर्मल पर्सन, अ ह्यूज क्राउड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप, वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स, मैं किसी एक प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि गूगल के 90% यूजर ऐसे हैं जो कि एक रुपया गूगल को नहीं देते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को यूज करने के लिए। फिर भी वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है। कैसे? इसको सोचना पड़ेगा। आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं, आप अगर ये फॉर्मूला और ये मेथड आप अगर समझ गए, आपको करोड़पति और एक बहुत बड़ी बिलियनियर कंपनी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपके लिए मेथड कैसे काम करेगा ये आपको सोचना है। या मेथड है कुछ बहुत ही सिंपल मेथड है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाते हैं, याद रखिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपनी सर्विसेज के साथ जोड़ पाते हैं उतना प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई कर जाओगे, बहुत पैसा बना जाओगे आप। थोड़ा सा मैं इसे एलोबरेट करता हूँ, थोड़ी डिटेलिंग में, थोड़ा डिटेल में जाता हूँ कैसे ये काम करता है। आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी कॉस्ट आप रखते हैं 1000 रुपये। मैं कहता हूँ कुछ ऐसा कीजिए, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कर देते हैं 100 रुपये, या मैं कहता हूँ उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कर देते हैं आप 10 रुपये। कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं जिसके लिए आप 1000 रुपये चार्ज करते हैं, आप उसके लिए 10 रुपये चार्ज करना शुरू कर दीजिए। 1000 रुपये में जहाँ आपको 10 कस्टमर मिलते थे, 10 रुपये में हो सकता है आपको 1000 कस्टमर मिले। सोचिए ना 1000 रुपये की कोई सर्विसेज है, आप उसे 10 रुपये में आप लॉन्च कर देते हैं कि 10 रुपये में आप ये सर्विसेज देंगे, तो डेफिनेट जहाँ आप 1000 रुपये की दे रहे थे वहाँ 10 कस्टमर खरीद लेते, अब आप जो 10 रुपये की देंगे तो 1000, 2000 या 5000 लोग उस सर्विसेज को अवेल करेंगे। रेवेन्यू आपका वही का वही रहेगा, रेवेन्यू में अंतर नहीं आएगा, बट याद रखिए आपके साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, याद रखिए आपकी अब वो सर्विसेज यूज करने वाले 5000 लोग हैं, जहाँ सिर्फ आपको 10 लोग जानते थे आज वहाँ आपके 5000 लोग जानते हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, कुछ भी है, आप देखिए कितना माउथ स्प्रेड होगी आपकी इंफॉर्मेशन, पैसा किस तरीके से आप बना सकते हो ये अब आपको सोचना है। आपने कभी देखा होगा आप मॉल में गए हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, एसी चल रहा है, खाली पड़े हुए हैं शोरूम, उनके खाली पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं वहां पर, इवन दे आर नॉट चार्जिंग एनी एंट्री फीस, लेकिन जब भी कोई पर्सन मॉल में घूमने जाता है चाहे वो कुछ न खरीदे तब भी वो 50 या 100 रुपये मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको खर्च कर ही देता है, चाहे वो खाने के लिए कुछ खरीदे,
आइसक्रीम खरीदे, चॉकलेट्स खरीदे या कुछ भी खरीदे, मॉल में जाएगा तो मिनिमम 50 से 100 रुपये वो खर्च कर ही देता है। यही तो स्ट्रेटेजी है आपको क्राउड फंडिंग, यानी जो क्राउड आपने जमा किया है उससे पैसा बनाना है। हो सके तो कोशिश कीजिए अपनी सर्विस को फ्री रखने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज समझिए, जियो ने मार्केट में एंट्री करी थी, जियो भी चाहते तो उन्होंने काफी टाइम तक अपनी सर्विसेज पूरी रखनी चाहते तो वो भी 100 या 200 रुपए कोई प्लान ला सकते थे और कंपनी से थोड़ा सा चीपर। उससे होता ही ज्यादा लोग उनसे जुड़ नहीं पाते। हाँ, उन्हें कंपटीटर की तरह से देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी सर्विसेज फ्री रखी और जब फ्री का टेन्योर भी खत्म हो गया उसके बावजूद उन्होंने अपनी सर्विस के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चार्ज किया। नतीजन विद इन अ शॉर्ट पीरियड 10 करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने अपनी सर्विसेज के साथ जोड़ लिए। सिर्फ वही सर्विसेज नहीं, उसके साथ उन्होंने काफी सारी सर्विसेज के साथ जोड़ दिए। तो दोस्तों, अगर आप बड़ा होना चाहते हैं, आप रिच बनना चाहते हैं, कोशिश कीजिए इस तरह की ट्रिक बनाइए कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इन्वॉल्व हों आपके साथ ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो किसी भी मैनर में इन्वॉल्व होते हैं, पैसा बनेगा आपका। याद रखिए यूट्यूब पर हम वीडियोस बनाते हैं, हम क्रिएटर हैं, हम वीडियोस बनाते हैं। आप भी अगर अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, याद रखिए यूट्यूब पे जो इतना पैसा यूट्यूब हमें देता है या और किसी क्रिएटर को देता है, उससे ज्यादा पैसा उन्हें और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करने का, अपना नाम प्रमोट करने का, एडवर्टाइजमेंट दिखाने का पैसा दे देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा वीडियो में तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो दोस्तों, बात है सिर्फ यहाँ नंबर्स की। आपके साथ 10 क्लाइंट हैं, वहीं आपके साथ अगर 5,000 क्लाइंट होते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे भैया हमारे नाम को प्रमोट कर दो, हमारे बैग दिलवा दीजिए स्टूडेंट्स को, हमारा लोगो लगवा दीजिए, बहुत पैसा होता है सर। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।